नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार पुलिस में पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा ये चयन करना है। पहला क्या, भारत में अनेक बोली है, ये गलत है। फिर दूसरा, भारत में अनेकों बोलियां, ये भी वाक्य गलत है। भारत में अनेक बोलियां हैं, ये वाला सही है। भारत में अनेक अनेक बोलियां हैं, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो सापेक्ष शब्द का विलोम होगा निरपेक्ष, है ना। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। नेक्स्ट है कि इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो अरविंद का पर्यायवाची हो जाएगा कमल, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कमल, इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, कमल, क्योंकि कमल का ही पर्यायवाची है अरविंद, ठीक है। अरविंद या तो इसका पर्यायवाची में, और भी याद रखिएगा आप, ताम्रस, पुष्कर, जलज, नीरज, सरोज, ये सभी कमल का या तो अरविंद का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पधारो मारे देश शीर्षक पाठ के लेखक है। पधारो मारे देश, ये शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनूप मिश्र, है ना। अनूप मिश्र इसका करेक्ट आंसर है, अनूप मिश्र, ठीक है। पधारो हमारे देश इसका लेखक है अनूप मिश्र, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और है जो कि आपको रिवीजन हमेशा करना चाहिए, जैसे कि लाल पान की बेगम के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहा है, ठीक है। याद करवाया था आपको कहानी का प्लॉट, यानी कि प्लॉट जब खरीदते हैं, तो जब खरीदेंगे या उस पर कुछ काम करते हैं, तो क्या पहले पूजा करते हैं ना, शिव शिव भगवान की पूजा करेंगे, शिव पूजन करेंगे। आप पूजन कैसे करेंगे, सह के करेंगे, है ना, खा के नहीं करेंगे ना। तो इस तरह से याद रख लेना है कि कहानी का प्लॉट का है शिव पूजन सहाय, ठीक है। भारत की पुरातन विद्यापीठ के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद है। और पधारो हमारे देश का हो गया कौन, तो अनूप मिश्रा है। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस गद्य की कौन सी विधा है, तो ये है इसमें ललित निबंध, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ललित निबंध, ठीक है। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुड़ा केस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो गुड़ा केस शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये वाला होगा गुड़ा, गुड़ा का इस, है ना, गुड़ा का इस, इसका करेक्ट आंसर है ये गुड़ा का प्लस इस, है ना, गुड़ा केस, गुड़ा केस। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। किए गए उपकारों को मानता है तो उसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ, है ना, इसका करेक्ट आंसर है कृतज्ञ। नेक्स्ट है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा वाक्य, वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संयोग का विलोम कौन सा होगा। तो संयोग का विलोम होगा वियोग, है ना, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, तो वियोग होगा, ठीक है। और सुयोग का विलोम क्या होगा, मालूम, सुयोग का विलोम होगा क्यों, कुयोग, है ना, सुयोग का विलोम होगा कुयोग। और सहयोग का विलोम क्या हो जाएगा, सहयोग का विलोम होगा असहयोग। नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का मतलब होता है निर्लज होना, है ना, चिकना घड़ा होना यानी निर्लज होना। अच्छा, ये आपको याद होगा जो पीछे बताया था आपको, तृष्ण तृण पकड़ना, है ना, तृण पकड़ना यानी कि शरण में जाना, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना, गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, वार खाली जाना मतलब युक्ति का सबल ना होना, और शहर का दाई मतलब क्या होता है कि घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है, और चिकना घड़ा होना यानी निर्लज होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम था, इसका करेक्ट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र, है ना, नागा अर्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो ये है किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, तो किस नदी पर, कृष्णा नदी पर है, ठीक है।
और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहता था ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि एग्जाम में पूछा जाता है आपको याद रखना है। ऐसे अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष पूछे चरक किसके दरबार में रहता था, तो भी कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। याद कैसे रख लेना, एक शब्द याद रखना अचानक, ठीक है। अचानक यानी अश्वघोष चरक नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, अब इंग्लिश का क्वेश्चन है किसमें, देखिए अब पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेस्ट एक्सप्रेसेस देखें यानी साइनो पूछ रहा है, ठीक है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है क्या, सुधारना या शुद्ध करना, ठीक है। तो रेक्टिफाई यानी सुधारना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें क्या, अपोजिट पूछ रहा है ना, अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। तो वैंक्विश मतलब क्या होता है, वैंक्विश मतलब पराजित करना होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरेंडर कर जाना, है ना। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड मतलब सही शब्द इसमें से चुनना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही शब्द इसमें से ग्रोटेस्क्यू, ये जो ग्रोटेस्क्यू है ये वाला सही है, इसका मतलब होता है विचित्र या विकृत। नेक्स्ट है इसमें क्या है, इसको पढ़ लीजिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवेन विथ ब्लैंक्स आर टू बी द फिल्ड विथ द अप्रोप्रिएट वर्ब, यानी खाली जगह को भरना है, ठीक है। इसका देखते हैं 15 और 16 में भरना है। तो पहला क्या है, सी मी टू मोरो विदाउट, है ना, टी सी मी टू मोरो विदाउट, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। सी मी टू मोरो विदाउट फेल, यानी कि आप मुझे बिना फेल के कल देखेंगे। नेक्स्ट है कि रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आइज, तो रेडियम जो है ना ये क्या करता है, ऐसा जो विकिरण ये निकालता है जैसे क्या आँख क्या होता है थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना, अंधा जैसा हो जाता है, तो अंधा कर सकता है कि रेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियम गिव्स ऑफ, है ना, गिव्स ऑफ मतलब जो रेज यानी किरणों को वो जो छोड़ता है निकालता है, कि देट की ब्लाइंड द आई, आँखों को अंधा कर सकता है। नेक्स्ट है आइटम और फ्रेज, है ना, मुहावरा बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं आइटम फ्रेज वाला जो आप नहीं भी कभी पढ़े तो आइडिया लगाकर मार सकते हैं, ठीक है। जैसे टू एड फ्यूल द फायर यानी आग में तेल डालना, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे क्या होगा, मेक थिंग्स वर्स यानी कि चीज़ों को और बदतर बना देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है कि वन बट सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल यानी लोगों का एक बड़ा समूह जिसमें प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल यानी कई विविध प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्केस्ट्रा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट है इसमें क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट में इसको क्या, सेंटेंस आपको सजाना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा उसके बाद आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसको पढ़िएगा, इसमें पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आता है ना। इतने तो आप करने की कोशिश भी अभी नहीं करते हो क्योंकि ज़्यादातर जीके जीएस इंग्लिश बिहार में पूछा जाता है, ठीक है, और मैथ रीजनिंग है उस सब पे, लेकिन इंग्लिश थोड़ा ये डीपली जब में जाता है, इसको अंडरस्टैंडिंग होना इंग्लिश का जरूरी है, तब इसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पहले डी आएगा उसके बाद ए उसके बाद सी उसके बाद बी, इसका है ना करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। डी यानी कि टुडे आज इट इज नॉट अनकॉमन टू ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। तो आजकल क्या हुआ कि फॉरेन जो कंट्री विदेश जाना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब असामान्य नहीं रहा, ठीक है, असामान्य नहीं रहा। टिल क्यूएट रिसेंटली द ट्रेंड वाज टू गो टू द बेस्ट दैट ऑफर्ड एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, क्योंकि वहाँ एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। बट ओवर द लास्ट डिकेड द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड एंड इंडिया इज बीइंग चूजन फॉर मेडिकल टूरिज्म, है ना, मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया भी अब लोग आने लगा था, ठीक है। और लास्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी कि दिस इज बिकॉज इट हैज ऑन ऑफर ए हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिंग सर्विसेज फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स, है ना। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इसमें क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें बदलना, ठीक है। तो डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आपको बदलना, ठीक है। तो द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो इसमें क्या है,
कि द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय, तो इसका क्या हो जाता है, द सेड द बॉस क्या होगा, टोल्ड हो जाता है ना, सेड क्या बदल जाता है, टोल्ड में टू हट जाता है, यानी कि द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय, और यहाँ पर क्या होगा, आई के जो इन्वर्टेड कोमा जो है हट के क्या हो जाता है, डेट आ जाता है, ठीक है, और बिल जो है ये बदल जाता है बुड में, ठीक है, जैसे यहाँ बिल, अगर ऑप्शन में यहाँ बिल ही दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आप ऑप्शन से भी छांट के मार देंगे ना तो आसानी से ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बिल बिल जहाँ दिया हुआ रहेगा वो आंसर होगा नहीं, देखिए यहाँ बिल दे दिया है, क्योंकि ये जो बिल है ना, देखिए ये बिल जो है ये फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट होगा, यहाँ ही अब बुड होगा, ठीक है, तो यहाँ बुड ऑप्शन में जहाँ रहेगा वही आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ बिल दे दिया तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, फिर आगे क्या है, द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ इफ, उसके बाद यहाँ पर दिया है इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, ठीक है, यू फिनिश, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यू फिनिश है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में, ये फिनिश्ड वाला होगा, है ना, आंसर इसका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनिश्ड वाला होगा, ठीक है, ये फिनिशेज ये नहीं होगा, ठीक है, ये बिल फिनिश ये वाला नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चार ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में बनाना है आपको, ये वाला देखने से ही पता चल जाता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूले पर ये सेट है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, एक क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो जो ए क्यू है इसको मान लीजिए ए, इसको क्या बी, तो ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देखिए कि ये वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला देखिए नीचे वही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो ये ऊपर वाला ये और नीचे वाला से ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर सिर्फ बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा, यानी कि 7 - 4 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैथ में आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका नंबर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से आपको बता देंगे, क्योंकि हालांकि हम आपको आसानी से बताते हैं, आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी आसान है, क्वेश्चन को भारी नहीं है, ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले 30 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये भी आसान है, देखिए दोनों मिलकर 10 दिन में करता है और ए अकेला 30 दिन में करता है, तो दोनों में से ए का घटा देंगे बी निकल जाएगा, तो दोनों का है क्या, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10, ए वाला घटाइए, ए 1 दिन में कितना करेगा, 1/30, ठीक है, क्योंकि टोटल 30 दिन में करता है तो भाग में करेंगे 1/30 हो जाएगा। अब ये दोनों में से ये ए वाला घटा दीजिए, आंसर हो गया, इसको घटाएंगे तो एलसीएम लीजिए, 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, 10 + 30 ऊपर में 3 आएगा, अब फिर 30 * 30 यानी 1 * 1 यानी कि ये हुआ कितना, 2 है, 3 में से 2, 2 से काट दीजिए 15 यानी 1/15, यानी कि बी जो है उल्टा कर दीजिए, 15 दिन में काम करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 15 दिन में बी खत्म कर देगा। नेक्स्ट है कि ए बी तथा सी किसी टंकी को 20, 24 और 30 घंटे में भरता है, तो तीनों मिलकर एक साथ में कितने कितने देर में, कितने टाइम में, कितने घंटे में ये भर देगा, ठीक है, तो देखिए इसको बनाना क्या सिंपल है, ये तीनों है ना, तीनों का एलसीएम लीजिए, टोटल होता है कितना, टोटल घंटे कितना है, तो ए बी और सी, ठीक है, ये ए जो है बी और सी, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 30, 24 और 20, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं आप, एलसीएम अगर शॉर्टकट में लेना है, देखिए ये तीनों में से बड़ा कौन है, 30, अब 30 को क्या है गुना करते जाइए, 30 × 60, 30 × 90, मतलब वहाँ तक रुकना है जब ये तीनों से कट जाए, तो 30 × 30 = 60 हो जाए, 30 × 60 तो ये 24 से नहीं कट रहा, आगे बढ़िए, 30 × 90 24 से नहीं कटेगा, 3 × 12 120, 120 तीनों से कट जाएगा, तो यानी 120 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए 20 × 26 = 28, यानी कि ये जो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 20 से भागा देंगे टोटल काम है मान के चलिए, तो टोटल काम हो गया 120,
एक घंटे में कितना काम करेगा, 20 6 20 यानी 6 काम करेगा। फिर 24 जो है ये एक घंटे में कितना करेगा, 24 5 120, और 30 जो है ये सी जो है एक घंटे में कितना काम करेगा, 3 6 12 यानी कि 4 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम है 120, और ये कर तीनों मिला के कितने दिन में करेगा, तो 6 5 11 4 15, तो 15 से इसमें भागा दीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 8। नेक्स्ट है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान क्या होगा। बहुलक मतलब क्या होता है, मान लो जैसे जो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है वही बहुलक होगा। अगर बहुलक 12 दिया है तो 12 ज़्यादा बार आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बार आने में है कौन कौन, देखिए एक तो 15 है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, और एक है 12 जो कि 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार है। तो दो एक बार 15 भी 2 बार है और 12 भी 2 बार है, लेकिन बहुलक के 12 यानी कि 12 एक बार और आना चाहिए, है ना, कम से कम 15 से ज़्यादा आना चाहिए ना, 2 से ज़्यादा, ये 15 भी 2 बार आ रहा है तो ये और एक बार आएगा, यानी कि के का मान के का जगह क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, तो 12 बहुलक इस है यानी कि के का मान क्या होगा, 12 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुलक मतलब होता है ज़्यादा बार आएगा वो, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 25, अब है ना 25 में क्या है, यदि कुर्सियों को 600 रुपया में खरीद कर और 600 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, 600 उसका क्रय मूल्य खरीदा और 500 रुपये में बेचा, तो इसमें पूछा क्या हानि क्या, तो देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 100 रुपये हानि हो रहा है, 600 में खरीदा 500 में बेचा, 100 रुपये हानि हो रहा है। ठीक है, और कितने में, तो क्रय मूल्य कितना है, 600 गुना 100 कर दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दिए तो 2 0 से 2 0 चला गया, अब 6 100/6 यानी कि 16 6 96, 16 से कटेगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है ना। इसके अलावा देखिए पूरे दशमलव तक गुना करने के काटने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 16 से एक ही ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें 7 पीली गेंदें एवं 3 गुलाबी गेंदें हैं, यदि थैले में से 2 गेंदें एक के बाद दूसरी यादृच्छिया निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि पहली गेंदें लाल की हो और दूसरी गेंदें पीली की हो। ठीक है, तो देखिए जब एक के बाद एक निकाला जाता है तो इसको बनाना है कैसे, तो एक एक करके बनाना, जैसे पहली गेंदें क्या होनी चाहिए, पहली गेंदें लाल होनी चाहिए, तो लाल यानी कि 5 C1/ टोटल कितना है, 5 7 12 3 15, 15 C1 यानी कि 5 C1 का मतलब 5 ही हुआ है ना, 5 3 15 1/3 आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार में क्या है, गेंद पीली होनी चाहिए, तो पीला है 7 तो 7 C1, और टोटल अब कितना बच गया, टोटल 15 था लेकिन एक गेंद निकल चुका है, तो अब बच गया कितना, 14 में से निकलेगा, तो 14 C1 यानी 7 × 14, तो यानी दूसरा पार्ट का मान आया कितना, 1/2। अब क्या है, अब इसका आंसर क्या होगा, अभीष्ट मान इसका हो जाएगा 1/3 ये और गुना 1/2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 1/3 × 1/2 यानी कि 1/6 है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो 26 का आंसर हो गया 1/4 यानी ऑप्शन नंबर 1/6 हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपया ब्याज देती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ब्याज कितना हुआ, पैसे में रुपया में ब्याज दिया हुआ 2400 रुपया, परसेंट में ब्याज कितना है, तो 12 5 60%। ठीक है, परसेंट में ब्याज है 60%, तो 60% बराबर 2400, तो 100% निकाल देंगे तो मूलधन निकल गया। ठीक है, तो ये आसान है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है कि आप कि मैथ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसमें आसानी है, तो 60% का मान दिया 2400, तो 100% का मान निकाल देंगे, तो 2400/60 करिए और गुना 100 कर दीजिए, अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 गया और 6 6 24 यानी 40, और 1 0 यहाँ 4000 हो जाएगा, 2 0 यहाँ है, तो 4400 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अब देखिए ये इतना बटा इतना है। ठीक है, तो इसको देखिए ये दिया हुआ x के पावर 4 है,
और यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/x² दिया हुआ है। तो देखिए x^4 और x^2 हो, तो ये फॉर्मूले में सेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको कभी न कभी इसको x³ + 1/x³ के रूप में लाना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x² + 1 = कर दीजिएगा क्या, 6x इधर दे दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में, इधर इधर प्लस में आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ हो गया कि x² + 1 = कितना आ गया, 6x, यानी इसके बराबर क्या होगा, 6x लिख सकते हैं हम कभी भी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब एक तो ये हो गया, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, और एक ये काम आएगा। दूसरा क्या आएगा, इसमें टोटल में x से भागा दीजिए दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ x से भागा देंगे, क्या होगा, x + 1/x = 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो है ना q के रूप में लाएंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नोट करिएगा, साथ में कॉपी रखिएगा, तभी आपको मैथ ये समझ में आएगा। जो जो लोग क्या है कि मैथ अच्छे से नहीं जानते उनको, बाकी जो अच्छे से जान रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको जब करेंगे कैलकुलेट, तो देखिए x^4 + 1/x² अब भागा में ये है x² + 1। अब x² + 1 = कितना निकला था अपना, 6x निकला था, ठीक है। अब क्या है इसमें, 1 देखिए ऊपर ये है और नीचे ये है, इसमें क्या करिए 1/6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर बचिए क्या, x^4 + 1/x² और ये जो x है ना, x से ऊपर भागा चल जाएगा, ये बटा में है, तो भागा जब जाएगा ना तो ये x^4 में से एक कट जाएगा, तो x³ बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 1/x³ होगा, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 1/6 × x³ + 1/x³। अब क्या है कि 1x³ + 1/x³ का मान सिर्फ निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखिए अब पहले निकाल लेते हैं अपन लोग क्या, 1x + 1/x² कितना निकाले थे, 6। अब इसको x³ + 1/x³ निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यू करेंगे ना, x³ + 1/x³ क्या होता है, x+1/x³, ऐसे देखिए a³ + b³ = सूत्र क्या हो जाता है, a+b³³ - 3ab × a+b होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, ये दोनों का x+1/x³, ठीक है, यानी कि 6³ करेंगे 216 - 3ab, ए बी में क्या होगा, ए है ये बी है ये, ए बी में ये गुना करेगा तो ये कट जाएगा, तो ए बी का कोई मतलब ही नहीं है। और a+b का मान कितना हुआ, 6 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 3×6 = 18 यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 18 इसमें घटेगा 216 में, तो 198 आ जाएगा, ठीक है, 198, यानी कि x³ + 1/x³ का मान कितना आ गया, 198। और लास्ट में अपन लोग को निकालना क्या था, 1/6 और गुना x³ + 1/x³, उसका मान आया कितना, 198। अब 6 से काटिए, 6 × 18, 6 × 18, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थीटा के एक न्यून कोण होने पर यदि कोसेक थीटा बराबर इतना है तो इतना का मान ज्ञात करिए, तो डिग्री का मान निकाल के थीटा का मान, उसमें क्या लेंदी हो जाएगा, काफ़ी काफ़ी इजी से इसको निकालना है। तो ऐसे करिए, देखिए कोसेक थीटा का मान ये है, यानी कि ये मतलब क्या 1.25 है ना, तो पॉइंट को उड़ा दीजिए, नीचे क्या हुआ 100 हुआ, 25 से इसको काटिए, 25 × 25 = 125, अब 25 × 100 यानी कोसेक थीटा का मान क्या हो गया, 5/4। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण/लंब, यानी ये क्या हो गया कर्ण, और लंब क्या हो गया 4, तो आधार निकल जाएगा, है ना, ट्रिपलेट से आधार निकल जाएगा, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसका ट्रिपल बन गया 3, 4, 5, है ना, कर्ण अगर 5 है और लंब 4 है तो आधार क्या निकल जाएगा, 3 निकल गया, ठीक है, तो आधार 3 हो गया। अब देखिए इसमें ये तीनों का मान ही रखकर सब बन जाएगा, टेन थीटा वगैरह पूछा था, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी कि लंब कितना है, ये 4 है और आधार क्या है, ये है, तो सब का मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 × 10θ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 है बटे आधार 3 है, -5 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3
बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5 है ना, कर्ण कितना 5 है, और बटा में फिर कर दीजिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 5 बटे आधार कितना है 3, फिर प्लस है 4 इंटू कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान जो है उसका उल्टा हुआ, टेन थीटा का मान यहाँ ऊपर में लिखे हैं 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। अब इसको कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, काफ़ी इजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 है ना, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है 29 का, उसके बाद 30 है, 30 का क्या त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण बी अधिक कोण है, ठीक है, कोण बी जो है अधिक कोण है, तो CB को D तक बढ़ाया जाए, तो देखिए इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और क्या वो कैसा है अधिक कोण है, ठीक है, तो इसको ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, फिर क्या बोला CB को इधर बढ़ाया जाए है ना D तक, ठीक, बढ़ाया जाए, तो AD, ठीक है, AD ये लंबवत होता है, ऐसे समझिए, ऐसे है एक त्रिभुज, ठीक है, ABC और BC को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ एक लंबवत डाला D तक, यहाँ ऐसे ये लंबवत है, ठीक है। अब बोला है क्या कि AB बराबर 8 है, AB बराबर ये 8 है, BC बराबर 7 है, BC ये वाला आपको कितना है 7 है, और BD 4 है, BD ये 4 है, ठीक है, तो AC कितना होगा, यानी कि ये वाला आपको पूछा है, ठीक है, AC कितना होगा। अच्छा देखिए, ये अगर लंबवत है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, लंबवत एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये कर्ण दिया हुआ 4 और ये आधार दिया हुआ, ये निकल जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा क्या होगा रूट टेंडर, यानी कि ये क्या है AD है ना, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा रूट टेंडर कर्ण स्क्वायर, यानी ये 8² 8 है 64, और माइनस हो जाएगा ये आधार स्क्वायर, आधार या 4×16, तो इसको करिएगा तो 16×64 है 16×3 आएगा रूट टेंडर 48, रूट टेंडर 48 का मतलब 4√3 है ना, ये मान निकल गया आपका 4√3, ठीक है। अब क्या निकालना है AC, तो देखिए अब ये त्रिभुज से लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज से, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज से अगर लेंगे, ये कौन सा AD और C से, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज से लेंगे तो ये भी क्या समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसका लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा AC, और आधार हो जाएगा, ये आधार दिया हुआ है ये 7 और ये 4 है ना, 7×4 इसका आधार दिया हुआ है, तो इसको भी क्या कर्ण AC निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट एंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना 4√3 लंब हो गया, 4√3 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4×16 48, यानी कि 48 आ गया, प्लस आधार कितना है 11 ये वाला 7 और 4 11, ठीक है, तो आधार स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, अभी दोनों को जोड़िएगा 121 और 48 को, तो कितना आएगा रूट एंडर 169 आएगा, ठीक है, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13, तो AC बराबर कितना आ गया 13, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए, तो इसमें क्या किया है, इसमें 6 से भागा दिया तो ये आ गया, ठीक है, इसमें भी 6 से भागा देंगे तो आएगा कितना, 6 से भागा दे देंगे तो 695 आएगा, या तो ऐसे समझ सकते हैं या तो ऐसे समझिए, इसको इसमें भागा देने से 6 आता है, तो इसमें किससे भागा देंगे कि 6 आएगा, ठीक है, 6 यानी कि इसमें इससे भागा देंगे तो 6 आया, तो इसमें किससे भागा देंगे कि 6 आएगा, तो 6 से इसी में भागा दे देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है 695 आएगा। नेक्स्ट है कि विषम को चुनना है, तो इसमें क्या किया 3 का स्क्वायर है 3 का क्यू कर दिया, ठीक है, फिर उसमें 11 का स्क्वायर है तो 11 का क्यू कर दिया, इसमें 2 का स्क्वायर है ये तो 2 का क्यू ये नहीं हुआ, ठीक है, बाकी ये सही है कि 5 का स्क्वायर है 5 का क्यू है, लेकिन ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है
कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त को पहचानना है आपको। ये है एक का स्क्वायर, फिर ये दो का क्यू, फिर तीन का स्क्वायर, चार का क्यू, फिर पाँच का स्क्वायर, छः का क्यू, यानी कि एक बार क्यू हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, और सब बढ़ते क्रम में एक दो तीन ऐसे है, ठीक है। एक का स्क्वायर हुआ, दो का क्यू हो गया, तीन का स्क्वायर हुआ, चार का क्यू हो गया, फिर पाँच का स्क्वायर हुआ, छः का क्यू हो गया, तो यहाँ क्यू हुआ, तब क्या हुआ, स्क्वायर होगा, सात का स्क्वायर 49 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें कितने त्रिभुज है आपको बताना है, कितने त्रिभुज है इसमें, तो देखिए एक दो और ये तीन, ठीक है, फिर चार, फिर ये पाँच, और एक ये छः, आंसर हो गया तीन नंबर। त्रिभुज निकालना तो क्या, एक साइड से लीजिए और एक साइड से सब सबको लेते चलिए, छोड़ना नहीं किसी को, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आसानी से, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर को आकृति को पहचानिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो ये निहित है क्या, देखिए ये वाला सिंबल आपको निकालना है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये है किसमें, तो ये आपको मिलेगा किसमें मालूम, ये ऑप्शन जब क्वेश्चन सब इसको सबको चित्र में देखिएगा तो ये सिर्फ इसमें आएगा, देखिए ये वाला ये है ना, ये ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल है, तो कौन सा बेमेल है ये बताना है आपको, ठीक है, तो लोनार झील जो है बेमेल समूह है ये पूछा जा रहा है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में बेमेल समूह को पहचानिए, लोनार झील तो महाराष्ट्र में है तो बेमेल पूछा है, तो इसमें लोनार झील है महाराष्ट्र में है ये तो सही है, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में ये गलत है, चिल्का झील कहाँ है मालूम, ये है उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, इसका आंसर क्या हो जाएगा दो, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में ये सही है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये सही है। तो चिल्का झील कहाँ है, जो कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील ये उड़ीसा में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है बुल्लर झील है, कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये याद रखना है। और आपको भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील अगर पूछे तो सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया है, तो किसका अध्ययन करने के लिए, राजेंद्र सच्चर समिति का गठन देश का अध्ययन करने के लिए किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो कावेरी की एक सहायक नदी नहीं है, बेगई नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी काबिनी भवानी और अमरावती ये कावेरी नदी का सहायक नदी है। कावेरी नदी से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा तो वो कहा जाएगा गोदावरी को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दो है 75 के तहत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये याद रखना है, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो विधानसभा होता है मतलब राज्य का जो है मंत्रिपरिषद वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सलाल परियोजना का निर्माण जो है ये चेनाब नदी पर किया गया, मतलब चेनाब नदी पर किया गया सलाल परियोजना का निर्माण। और चेनाब नदी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, और उस पुल का नाम भी है ना चेनाब ब्रिज है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और रही बात क्या, नागा अर्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो पीछे वाले वीडियो में आपको याद करवाए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन कौन सा है, तो साबरमती है, ठीक है, और लूनी नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, और ताप्ती नदी है। इसको याद करवाए थे ऐसे कि एक लाइन याद रखना है कि साला मानता नहीं, पाँच प्रमुख नदी आ गया इसमें जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, साला से हो गया क्या साबरमती, लूनी, मानता से क्या हो गया माही, नर्मदा और ताप्ती, ये पांचों वेरी फेमस नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, साबरमती है ना, आंसर आ गया आपका साबरमती, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, ये चारों नदियां हैं, ये वाला और ये और ये चारों नदियां अरब सागर में गिर जाती है,
और लूनी नदी जो है ये कक्षकरण में विलुप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कक्षकरण में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी जो है ये कक्षकरण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वितरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राजतरंगिणी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है राजतरंगिणी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी में, राजतरंगिणी का संबंध है तो कहाँ से, कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, कश्मीर के इतिहास से राजतरंगिणी का संबंध है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो कल्हण है। ठीक है, याद रखना राजतरंगिणी का लेखक कल्हण है। ये दो तीन क्वेश्चन ऐसा है, तीन पुस्तक जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है। एक राजतरंगिणी याद रखना आपको, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, इसे याद ऐसे रख लीजिए। अष्टाध्याय यानी किसी को अष्टा को रिलेट करिए कष्ट से, यानी किसी को कष्ट होगा तो पानी देंगे, तो अष्टा जब भी आएगा अष्टाध्याय यानी कष्टाध्याय, कष्ट होगा तो पानी देंगे, यानी अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। फिर इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, इसे याद ऐसे रखिए कि इंडिका यानी कि इंडिका को रिलेट करिए इंडिया से, यानी इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना देश के द्वारा की गई थी, तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना ये किया गया था कपिल के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ये सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल के द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण दर्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, जैसे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन था, तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, है ना, तो इसे तो याद रखना आसान है। योग कराते कौन, तो योग रामदेव बाबा, तो रामदेव बाबा का है पतंजलि, तो योग दर्शन का पतंजलि हो गया। ठीक है, और एक आता है आपका न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है, तो प्रादेशिक निवास का उदाहरण है इसमें घास भूमि जो है प्रादेशिक जो निवास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का फुल फॉर्म क्या है, तो NEFT का फुल फॉर्म है आपका, NEFT का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र NEFT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, तीन चार ऐसे जो फुल फॉर्म है काफ़ी फेमस है ये, जैसे IMPS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, है ना, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और IFSC का पूछा जाता है, जो IFSC कोड होता है IFSC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपका RTGS। ठीक है, देखिए जब आप एप्लीकेशन चलाते हैं, जो मोबाइल कैनरा बैंक का चलाइएगा, तो उसमें तीन तरह का ऑप्शन देगा आपको ट्रांसफ़र करने का, एक देता है IMPS, ठीक है, एक देगा आपको IMPS हो गया, एक RTGS हो जाता है, एक NEFT हो जाता है। तो IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, ये तुरंत आपको पैसे चला जाएगा। ठीक है, इसमें चार्ज भी कटता है, IMPS में आपको तुरंत पैसे चला जाता है, इसमें चार्ज कटता है। ठीक है, फिर NEFT है, जो NEFT में क्या है, वो आधे घंटे में हर बार ट्रांसफ़र इसमें पैसे होता है। ठीक है, NEFT में आधे एक घंटे में ट्रांसफ़र होगा, इसमें पैसे नहीं कटता। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कुछ छोटा अमाउंट आप है ट्रांसफ़र कर दीजिए, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है ना, जैसे कि 20,000, 30,000, 40,000 अगर करना है तो NEFT के द्वारा किया जाता है। और RTGS जो है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, है ना, RTGS है ना, RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगर इससे क्या ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें क्या 24 घंटे के अंदर जाएगा, इसमें क्या बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख करना है ट्रांसफ़र, तो RTGS के द्वारा ये ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो वो तीनों ऑप्शन आपको, अगर कैनरा बैंक का एप्लीकेशन चलाते हैं, वो तीनों ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, तो IMPS और आपका NEFT और RTGS, ठीक है, ये तीनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान इसमें ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, एक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट क्या हो गया, ये आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर है, इनके बाद बने थे कौन, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है गुलजारीलाल नंदा, है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से कुछ क्वेश्चन आता है, याद रखना है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज,
के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। और दूसरा बने गए ये आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, उसमें अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू ही था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, तमिल महाकाव्य शिल्पादि कारम का लेखन किसने किया? तो तमिल महाकाव्य है, जिससे जैसे रामायण है, महाभारत है ना, इस तरह से तमिल महाकाव्य उसमें 4-5 है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका शिल्पादि कारम से आता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। तो शिल्पादि कारम का लेखक कौन है? तो इलंगो अधिगल है। इसका करेक्ट आंसर है इलंगो अधिगल, है ना। ये तमिल महाकाव्य है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आएगा मणि मेकले के लेखक है शीतले सतनार, है ना, शीतले सतनार, ये वाला सतनार। मणि मेखले के लेखक, इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, मणि मेकले शीतले, यानी मणि मेकले के लेखक है शीतले सतनार। और एक आएगा आपको जीवक चिंतामणि, है ना, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर। ठीक है, यानी कि जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक देवर है। ठीक है, तो याद रखना है इसको, देवर यानी कि देवर। ठीक है, वही वाला। तो जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुतक देवर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी इसमें से है गंडक। ठीक है, याद रखना है गंडक है। ठीक है, गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है, और जो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया पटना में, गंगा नदी के किनारे ही किया गया, जो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है पटना में। नेक्स्ट है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व देश में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो भी राजस्थान में। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ना, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए याद करते जाना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं सब याद रखना है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, या तो घाना पक्षी अभयारण्य या तो घाना राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, वो भी कहाँ है? तो राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, या तो रेगिस्तान पूछे सबसे बड़ा, तो थार रेगिस्तान है, कहाँ? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य जो कि अमूर्त धरोहर है, विश्व धरोहर में शामिल है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो इसे अशोक को जाना जाता है। ठीक है, अब अशोक का जन्म हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक किस वंश का शासक है? तो मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये अशोक। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। धामे का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धामे का स्तूप कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है ये किस केवें शिलालेख में ये पूछा जाता है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो पहली बार अशोक का नाम मिलता है मास्की शिलालेख में मिलता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, काफ़ी फेमस है हम्पी जगह, याद रखना है कहाँ? तो कर्नाटक में है हम्पी। सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि गंडी कोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है देश में स्थित है। तो ये जो गंडी कोटा घाटी है ये किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है गंडी कोटा घाटी जो भारत की बृहद घाटी है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कृष्णापट्टनम या विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है कि भारत व श्रीलंका के बीच एक द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो एक द्वीप है वो है कच्चा थीबू, है ना, कच्चा थीबू द्वीप है। ठीक है, अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वो है मन्नार की खाड़ी या तो पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है
कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताए थे पीछे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। और एनईएफटी के क्या बताएं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और आईएफएससी का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था फांसी, ठीक है। और किस मामले में दिया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र मामले में दिया गया था। भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था, तो बंगा गांव में हुआ था, और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, इसमें कौन नहीं रहा, तो आरबीआई का गवर्नर इसमें कौन नहीं रहा, तो ये जो सुब्बा राव था ये था, ठीक है। मनमोहन सिंह भी थे, और नरसिम्हम जो है, एम नरसिम्हम भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये जो हैं आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, ये वाला एम एस गिल जो है, ये कभी आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे थे, ठीक है। अच्छा, आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। और आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति, साख नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख था। और वर्तमान में करेंट अफेयर में याद रखना है कौन है अभी गवर्नर, तो वो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है कि मूसी तथा भीमा देश नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो मूसी तथा भीमा जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये है आपका कृष्णा की सहायक नदियाँ, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदियाँ मूसी तथा भीमा। अच्छा, मूसी से क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि मलिमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मलिमथ समिति की रिपोर्ट जो है ये संबंधित है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1026 ईस्वी में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला या लूटपाट किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। महमूद गजनवी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था, 1001 ईस्वी में किया था। अंतिम जो आक्रमण है वो किसके विरुद्ध था इनका, तो जाटों के विरुद्ध था। और इन्हें क्या मूर्ति भंजक कहा जाता है, यानी मंदिरों को ये लूटता था और वहाँ से मंदिरों को तोड़ के और मूर्तियों को तोड़ देता था और वहाँ से धन लूटता था, तो इसे मूर्ति भंजक कहा गया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, कौन तोड़ा था, तो महमूद गजनवी ने तोड़ा था, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है, तो सबसे बड़ा मांसपेशी है ग्लूटस मैक्सिमस, है ना, ग्लूटस मैक्सिमस जो है ये सबसे बड़ा मांसपेशी है मानव शरीर में, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है, तो मलेरिया का वाहक है मादा एनिफिलीज मच्छर होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, मादा एनिफिलीज मच्छर। जब मलेरिया के रोग में कौन से औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कुनेन, है ना, कुनेन का औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है, ठीक है, कुनेन औषधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब तांबा से ये क्वेश्चन याद आपको आना चाहिए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का ही प्रयोग किया था। और विल्सन रोग जो है वो किस तत्व के अधिकता से होता है, तो तांबा के अधिक जमा हो जाने से विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है, अब इंफ्रारेड का मतलब है कि अवरक्त विकिरण, है ना, अवरक्त किरण जो है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड विकिरण, ठीक है, यानी अवरक्त विकिरण की बात कर रहा है। तो कौन सा उपकरण जो है अवरक्त विकिरण को मापता है, तो ये बोलोमीटर मापता है, ठीक है। अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेज से एक क्वेश्चन याद रखना आपको कि टीवी रिमोट के कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ZnSO4 .7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है, तो ये है सफ़ेद बीटीरोल का, है ना, सफ़ेद बीटीरोल का सूत्र है ZnSO4 7H2O। और यहाँ पर है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो
ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, है ना, CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होती है। दृष्टि बाधा यानी कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन के बारे में आपको पीछे वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसको विटामिन के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ आप जरूर देखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ले है लोहा, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध की ऐसा ही क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही क्या है, ओम। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया प्रतिरोधकता की ऐसा ही क्या है, तो प्रतिरोधकता में आएगा ओम मीटर, है ना। तो याद रखना है प्रतिरोध छोटा है तो इसका ओम होगा, प्रतिरोधकता थोड़ा बड़ा हुआ तो ओम मीटर, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। वाट किसका है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या, वाट है। कूलाम किसका है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, और ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से होता है, तो विटामिन डी के निर्माण जो है सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सिफेरॉल है। इसको ट्रिक से याद करवाए थे, रथ एक टॉफी, रथ से क्या हो गया, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, रथ हो गया, और एक यानी कि सी डी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, सी का डी का कैल्सिफेरॉल, और लास्ट में ई के यानी कि टॉफी, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन। तो आपको पीछे वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताएं, तो जरूर वीडियो देखिएगा, सेट नंबर शायद 5 में बताएं, पूरे डिटेल में बताएं, एक भी विटामिन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये विटामिन डी आपका क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, किस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्सालिक एसिड बोलिए तो ऑक्जेलिक एसिड बोलिए, ये पाया जाता है किस में, ऑक्जेलिक अम्ल ये पालक में पाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये पालक में पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाएगा आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। और नींबू में पाया जाता है क्या, नींबू में पाया जाता है आपको सिट्रिक अम्ल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टे फल जितना है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको, प्यूटरिटी ग्रंथि को, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। प्यूटरिटी ग्रंथों को इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि जो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सबका ये नियंत्रित करता है, कौन, प्यूटरिटी ग्रंथि करता है, है ना, तो इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब थायराइड ग्रंथि से आप एक क्वेश्चन क्या है रिविजन कर सकते हैं, तो थायराइड ग्रंथि वही है जो कि घेंघा रोग होता है ना, तो उसमें जो सूजन आ जाती है गले में, तो थायराइड ग्रंथि में ही सूजन आ जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को ही बोलते हैं अब टू ग्रंथि। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि से क्या याद रखना है कि जो रक्तचाप नियंत्रित करता है कौन सी ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि करता है, एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, वो भी मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, तो मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है किससे, तो इसका करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन, है ना। मेढकों, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, तो थायरोक्सिन, है ना, मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है किससे, तो थायरोक्सिन से। ठीक है, बाकी एड्रिनल के बारे में बताएं आपको, एड्रिनल ग्रंथि जो है ये कहाँ, एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, ये क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है ना, एड्रिनल ग्रंथि। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन से क्या याद रखना है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट है, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो गया, पानी। ठीक है, पानी जो है कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70 या उससे अधिक प्रतिशत होता है, पानी। ठीक है, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर पानी हो गया। अरे, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत पानी है, तो 71 पानी है।
और जिसमें महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का कितना प्रतिशत है, तो 96.5% महासागरों में है, ठीक है, 96.5%। नेक्स्ट है कि दंत एनामेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो दंत एनामेल जो है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। दंत एनामेल किसको कहते हैं, तो दांत के जो ऊपर जो परत व्हाइट कलर का है वो क्या है, एनामेल कहलाता है। अगर पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ शरीर में कौन सा है, तो यही एनामेल ही होता है। नेक्स्ट है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है अक्सर, कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि शुष्क बर्फ है तो कौन, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, वो शुष्क बर्फ उसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड से दो तीन प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है ना, सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो है खतरनाक यही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, 75 में क्या है कि रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर, हीमोग्लोबिन का स्तर पूछ रहा है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कारक इसमें नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, रक्त में कमी ये होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त से और ये क्या बोलता है, आयरन से रिलेटेड है, ये लोहा से, ठीक है, आयरन की कमी ये भी है, गर्भावस्था इस ये भी कारक है, ये याददाश्त जाना ये नहीं होगा, है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा लोहा, अति हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ये याद रखना है ना, आयरन। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं, तो सूंघने वाले संकेतक, संकेतक जो है निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं, तो किसमें, तो ये दर्शाता है गंध में, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकत्व की खोज ये किया था हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, है ना, ओयरस्टेड, तो हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज किया था। नेक्स्ट है कि डैश ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइकेशन जो है, ग्लाइकेशन ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेस कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, निष्क्रिय सौर ताप कहलाता है, ठीक है, जो कि जाड़े के दिनों में घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निष्क्रिय सौर ताप का। नेक्स्ट है, कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा अब तक आप याद करते हैं क्या, टीन और तांबा का मिश्रण है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, याद होगा आपको, याद किए थे ना, कांसा किसका मिश्रण है, तो काटता है ना, कांसा है किसका, टीन और तांबा का मिश्रण है, ऑप्शन में है नहीं, तो कांसा को कभी कभार क्या है, पीतल भी कहा जाता है, ठीक है, तो पीतल किसका मिश्रण है, याद रखना है, पिताजी है ना, पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, कई बार पूछा जाता है पीतल किसका मिश्रण है, तो याद रखना है पिताजी, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, कांसा टीन और तांबा का मिश्रण, अगर ऑप्शन में नहीं है तो तांबा और जिंक आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट है, डैश को यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, सार्वभौमिक विलायक कौन हो सकता है, जल सभी को घोल लेता है, ठीक है, सभी में घुल जाता है, सार्वभौमिक विलायक, विलायक कौन होगा, जल। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन डैश उत्पन्न करता है, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, अच्छा इसका रासायनिक नाम सबका एक बार रिविजन करते हैं, देखिए डी का क्या है, कैल्सिफेरॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और ए का रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से अस्कर्वी रोग, सी की कमी से और ये जो है इसे रिकेट्स रोग है ना, रिकेट्स रोग जो होता है या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83,
83 में कि डेस एक रसायन सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, पारासीटामोल का, है ना। पारासीटामोल जैसे थोड़ा सी तापमान हो जाती है, बुखार जैसे लगता है, क्या कहते हैं, पारासीटामोल एक सामान्य रूप में उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में पारासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्या, कोएगुलेशन कहा जाता है ना, कोएगुलेशन। याद इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जो नहीं बनता है, तो के, है ना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो के कोएगुलेशन, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया कोएगुलेशन, ठीक है। ऑप्शन में कोई है, के से नहीं है, तो कोएगुलेशन। नेक्स्ट है कि वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की, तो जेनेटिक कोड की खोज किया था, अरविंद खुराना ने किया था ना, इनको जो जेनेटिक कोड की खोज के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय आपको बताए थे पीछे भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, तो उसमें क्या है, मिहिर सेन, पहला भारतीय मिहिर सेन। लेकिन अगर पूछे पहली भारतीय महिला जो इंग्लिश चैनल पार की थी, तो आरती साहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किया, तो वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं उसको आपको याद रखना है, कि क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं वो काफ़ी VVI रहता है, वही सब बताते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फेमस है, जो एग्जाम में अक्सर रिपीट भी होता है और निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा, और कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न रहता है वो बताते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहती है, जो कि कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, वही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी रेल ये आपका बिहार टीचर का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्या है, आंसर की हम बता रहे थे और आंसर की डिस्कशन कर रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बताए थे, तो आज बताएं और कल वाले एग्जाम में उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप एक तो ये याद कर लिए कि WW. जो है का आविष्कार किसने किया, अब जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ ले रहा है, और ये जरूरत है भी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी जो है उसको वो भी महत्वपूर्ण है, और खास करके कन्फ्यूजन भी कर सकता है, वो भी यहाँ दूर हो जाएगा। कैसे, देखिए WW का आविष्कार किया था आपको टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है, लेकिन अगर आपसे वहाँ पूछ लिया जाता है कि HTT पे आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो आप याद करके गए क्या, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, तो दिमाग में रहेगा, अरे टिम बर्नर्स ली ने तो WW का आविष्कार किया था, तो HTTP का आविष्कार कोई दूसरा कोई किया होगा, ये दिमाग में आ जाता है, इसलिए जो कन्फ्यूजन कर सकता है उसको साथ में रिविजन करना चाहिए। तो HTTP का भी आविष्कार है ना, यही किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है, याद रखना है WWW और HTTP दोनों का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने ही किया था, ठीक है, इसको याद रखना है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमलिंसन ने किया था, ईमेल का आविष्कार टॉमलिंसन, याद रखना है, ठीक है। WWW का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब, और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है, और एस लगा देता है सिक्योर हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात आई है किसकी, चार्ल्स बेबेज, ये कौन है मालूम, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी है, ठीक है। इनका एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बेंगलुरु, है ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो बंगलुरु में, है ना, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 90 कि डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो डर्बी ट्रॉफी जो है ये घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1979 का क्रिकेट विश्व कप देश द्वारा जीता गया था, तो 1979 का क्रिकेट विश्व कप ये जीता था कौन, वेस्टइंडीज ने जीता था, फिर बाद में इसको 1983 में
भारत ने वेस्ट इंडीज फिर हरा कर, वेस्ट इंडीज को हरा कर भारत ने जीता था। तो भारत जो है आईसीसी पुरुष जो वनडे विश्व कप कब कब जीता ये भी याद रखना है। तो पहली बार 1983 में जीता था और दूसरी बार कब जीता 2011 में। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कितने राष्ट्रपति हैं, तो ये थे 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, अब वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर 15वें राष्ट्रपति है लेकिन, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सर्वोच्च कमांडर होता है ना, सर्वोच्च सेनापति पूछे कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है। तो खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है किससे, तो उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में ना, माथेरान महाराष्ट्र में स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ है, तो माथेरान में, ये महाराष्ट्र में माथेरान है। नेक्स्ट है कि चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो चुमोट जो है किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, तो ये है गोवा का। ठीक है, गोवा का है, गोवा, गोवा क्या है, तो गोवा से याद रखना है, गोवा को पुर्तगालियों से ये भारतीय सेना ने कब आज़ाद कराया था, तो 1961 में कराया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और मोरमू गाँव बंदरगाह कहाँ है, तो मोरमू गाँव बंदरगाह गोवा में है। नेक्स्ट है कि कितने नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 देश। 6 देश जो है नाटो का 6 देश है जो कि रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएगा। अब नाटो से 2 क्वेश्चन याद रखना है जो कि एग्जाम में आता है। नाटो की स्थापना कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। नाटो नंचास है ना, 49 नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है ना, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 3662 करोड़ रुपया है ना, 3662। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की एक महिला को लंदन में अमल कुलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, वो महिला का नाम क्या है, तो ये महिला का नाम है, ये है कौन मालूम, आरती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आरती। आरती को क्या हुआ, ब्रिटेन में लंदन में अमल कुलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है। क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक महिला कौन बन गई है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है प्रीति स्मिता भोई है ना, प्रीति स्मिता भोई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला क्या है कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या, यह नया पोर्टल लगभग 80 बीमा कंपनियों को एक छतरी के नीचे लाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 8 का सभी 100 प्रश्न होता है आपका समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 9 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।